तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा और एक नए वीडियो पे। आज हो गया 19 नवंबर, जी हाँ, इंदिरा गांधी जयंती है आज 19 नवंबर, जिस पर सीएम भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात की आज नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, आज सीएम भूपेश बघेल की ओर से कई नई शुरुआत होगी। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते रहेगा आप लोग, और गुजारिश हमेशा की तरह एक ही है, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जी हां, तो आज 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ में 3 नए कार्यों की शुरुआत करने जा रही है, जो कि महत्वाकांक्षी कार्यों के तर्ज पर देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। प्रदेशवासियों को तोहफा की तरह आज के विशेष शुरू होने वाली कार्य योजना को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने गांधी के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने आजीवन गरीबी और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किया और देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। जी हां, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 19 नवंबर यानी आज प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन वितरण भी आज के इस डेट पे यानी कि 19 नवंबर पर किया जाएगा। जी हां, इसके तहत हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 नवंबर को तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा का प्रोत्साहन राशि अब अंतरण करेंगे आज, तो इसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि 4000 छात्र छात्राओं के खाते पे अंतरित की जाएगी 8,53,00,000 रुपए से अधिक राशि, तो आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो चलिए इस तरह से आ रही है खबर भाई, 4000 छात्र छात्राओं के खाते में अंतरित की जाएगी आज यानी कि 19 नवंबर को 8,53,00,000 रुपये दिया जाएगा। जी हाँ, तेंदुपत्ता प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन के लिए राशि बांटी जाएगी, आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुरुआत। साथ ही साथ शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर कक्षा 10वीं और 12वीं से 75% या उससे अधिक जो अंक से उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थी को आज जो है पैसे दी जाएगी आज के इस डेट पे। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे फिर से एक बार, मेधावी छात्र छात्रा पुरस्कार योजना में विद्यार्थी को दी जाएगी 75,00,000 रुपए से अधिक का प्रोत्साहन राशि आज के इस तारीख यानी कि 19 तारीख पर, इंदिरा गांधी की जयंती पर। तो आज और एक बड़ी कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल की ओर से शुरुआत होने जा रही है, पर महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक यानी दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ करने वाले हैं। महिलाओं के लिए शुरू होने वाली यह स्पेशल मेडिकल मोबाइल क्लिनिक देश में अपनी तरह पहली और अनूठी क्लिनिक होगी। यह क्लिनिक की गाड़ियों में केवल महिलाओं के मरीजों को ही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यह हम आपको बता के चले, दाई दीदी क्लिनिक के गाड़ियों में केवल महिला स्टाफ तथा महिला डॉक्टर, साथ ही महिला लैब टेक्नीशियन और महिला ANM कार्यकर्ता ही मौजूद रहेंगे। और इस क्लिनिक के शुरू होने से महिला श्रमिक एवं स्लम क्षेत्रों में निवासरत महिला एवं बच्चियों को अपने घर के निकट ही महिला डॉक्टरों के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस क्लिनिक का संचालन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 3 बड़े नगर पालिका निगम रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर में महिलाओं के लिए एक एक दाई दीदी क्लिनिक शुरू की जा रही है। आपको बता के चले कि इस क्लिनिक के माध्यम से कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज भी इस क्लिनिक में संभव हो सकेगा। जैसे कि खबरें सामने निकल कर आ रही है कि महिला चिकित्सक द्वारा स्तन कैंसर की जांच, हितग्राहियों को स्वस्तन जांच का प्रशिक्षण, साथ ही गर्भवती महिलाओं की नियमित एवं विशेष जांच आदि की अतिरिक्त सुविधा भी इस क्लिनिक के माध्यम से मिल सकेगी। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन के साधन, कावटी निवेशन, आपातकालीन पिल्स की उपलब्धता, गर्भ निरोधक गोलियां, साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली और गर्भ निरोधक इंजेक्शन, परिवार नियोजन परामर्श और STD परामर्श, साथ ही महिला क्लिनिक में डेडिकेटेड महिला स्टाफ होंगी। तो चलिए इस तरह से आज 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की ओर से नई शुरुआत की जा रही है, दाई दीदी क्लिनिक मोबाइल यूनिट की सुविधा की जा रही है, जिससे महिलाओं को आसानी से घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। और हम आपको बताना चाहेंगे यह शहरी क्षेत्रों के लिए इसकी नई शुरुआत की जा रही है,
तो वहीं दूसरी ओर आज के इस डेट में टेनिस अकादमी का भी भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक नई और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 नवंबर को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजधानी रायपुर में टेनिस स्पोर्ट अकादमी निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। विश्वविद्यालय रायपुर के सांस्कृतिक भवन से लगी 4 एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 17,75,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अकादमी के निर्माण के लिए 15 माह तक का समय निर्धारित किया गया है। तो चलिए भाई लोग, इस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ पर, आज यानी कि 19 नवम्बर पर जो है टेनिस अकादमी का भूमि पूजन सीएम भूपेश बघेल की ओर से की जा रही है। जी हाँ, कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जो सांस्कृतिक भवन से लगी 4 एकड़ की भूमि है, उसी पर टेनिस स्पोर्ट अकादमी का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 17,75,00,000 रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। और यह जो अकादमी का निर्माण के लिए 15 माह का समय निर्धारित किया गया है, 15 माह के बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए यह अकादमी खोल दिया जाएगा। तो अगर आप भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं तो नीचे अपना विचार जरूर से रखिएगा, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल की ओर से आप लोगों के लिए नई शुरुआत छत्तीसगढ़ में, जी हाँ, टेनिस अकादमी की नई शुरुआत की जा रही है। और हम आप लोगों को एक नज़र बता के चलें कि इस टेनिस अकादमी के अंदर में कौन कौन सी सुविधाएँ आप लोगों को मिलने वाली है। तो टेनिस स्पोर्ट अकादमी के अंतर्गत एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग और टेनिस कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही एडमिन बिल्डिंग के भूतल में वेटिंग रूम, रिसेप्शन में 2 चेंजिंग रूम, 2 हॉल, पार्किंग एरिया एवं प्रथम तल में जिम और डाइनिंग एरिया, वहीं वेटिंग एरिया तथा द्वितीय तल में वीआईपी लॉज और 3,500 क्षमता के पेविलियन का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए, वहीं दूसरी ओर जो खबर आज के इस डेट पे यानी कि 19 नवंबर पर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मोहरेंगा को एक बड़ी सौगात मिली है आज 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जयंती पर। तो चलिए, इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा के रूप में एक और पर्यटन स्थल की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेचर सफारी का लोकार्पण करेंगे। वन विभाग द्वारा राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खोरोरा तिल्दा मार्ग पर स्थित मोहरेंगा वन क्षेत्र में 555 हेक्टेयर के यह उत्कृष्ट नेचर सफारी विकसित की गई है। जहां तो वही हम आप लोगों को बता के चले कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी मोहरेंगा के हरे भरे वनों में साजा, खैर, तेंदु, सिम्हा, 4 बेल, धावड़ा, आंवला, बरगद, इमली, महुआ, अर्जुन और बांस प्रजातियों के वृक्ष विद्यमान है। इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए 4 तालाब निर्मित किए गए हैं। साथ ही नेचर सफारी के 4 मंजिला वॉच टावर भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ पैगोड़ा, बायोडायवर्सिटी हॉल और भव्य प्रदेश द्वार के साथ पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की गई है। सफाई के भ्रमण के लिए जीप्स की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई है। साथ ही पर्यटक नेचर सफारी का आनंद ले सकेंगे और नेचर सफारी के जंगल में पर्यटक प्राकृतिक परिवेश में 30 से 40 प्रजातियों के पक्षी सहित चीतल, जंगली सुअर, खरगोश, सियार, लोमड़ी, बंदर, नेवला, अजगर आदि वन्य प्राणियों को भी देख सकेंगे। जी हाँ, इस सफारी में औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से आज के इस डेट में छत्तीसगढ़ पे यानी कि 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने नई शुरुआत की है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के मोहरेंगा को पर्यटन की आज नई सौगात मिलने वाली है। तो चलिए, आज की इस डेट पर हमने आप लोगों को 19 नवंबर पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की ओर से तमाम जो नई शुरुआत की जा रही है जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।